सुनो कहानी के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा हम जिस कहानी पर कर रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है कटहल। कहानी शुरू करें इसके पहले हम यह बता दें कि यह सत्य घटना पर आधारित है। कथा के अनुसार इसमें पात्र और स्थान का नाम बदल दिया गया है और अंत में मैं यह बताऊं कि इससे किसी के ऊपर ना तो आक्षेप लगाने का प्रयास किया गया है ना तो व्यंग। इस कहानी का मूल उद्देश्य है केवल और केवल मनोरंजन, वह भी हल्का फुल्का मनोरंजन जो आपके मन को हल्का कर दे। शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब के गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। चूंकि डायरेक्टर थे तो सारे स्टाफ को बुलाए थे। इसमें अपनी अपनी श्रद्धानुसार और सामर्थ्य अनुसार हर स्टाफ डायरेक्टर साहब की सेवा में कुछ न कुछ भेंट लेकर के जा रहा था। उसी में एक ऐसे स्टाफ थे जो दूर रहते थे और उनको कार्यालय आने जाने के लिए रेल मार्ग का प्रयोग करना पड़ता था। उस दिन वो भी कुछ गिफ्ट लेकर के साहब के लिए आ रहे थे। अचानक हड़बड़ी के कारण या जैसे भी हो ट्रेन से उतर गए, पर वह गिफ्ट जो गिफ्ट था उनका, वह गिफ्ट लाना भूल गए, वह गाड़ी में ही छूट गई। क्योंकि नए जमाने के थे, ट्विटर वगैरह से काफ़ी साक्षात्कार रखते थे, तो जैसे ही उतर के बाहर आए गाड़ी चल पड़ी। उन्हें याद आया, अरे गिफ्ट तो हमने ट्रेन में ही छोड़ दिया। उन्होंने फटाक ट्विटर किया रेलवे को। उसके अलावा उन्होंने वहाँ के पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई कि हमारा बहुत बेशकीमती सामान गाड़ी में छूट गया है। आनंद फानंद में भारतीय रेल ने और पुलिस ने तत्परता दिखाई और गाड़ी को, थोड़ी दूर ही गाड़ी गई होगी, गाड़ी को रुकवाया गया। चार पुलिस कांस्टेबल भेजे गए जिस कोच में उनका सामान रखा हुआ था। पूरे कोच की तलाशी ली गई। कीमती सामान क्या है यह किसी के समझ में नहीं आया। फिर बाद में सहयात्रियों से पूछा गया तो किसी यात्री ने एक छोटे से झोले की तरफ इशारा किया, बोला मुझे लगता है वही सामान हो, इतने बड़े बैग में वह सामान रखा हुआ था। पुलिस वाले वह सामान जब निकाले तो देखते क्या है कि उसमें एक कटहल रखा हुआ था। चूंकि साहब जब शिकायत दर्ज कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था। अब पुलिस वालों को तो मानो गुस्से से कि इस कटहल के लिए इसने गाड़ी रुकवाई, चार कांस्टेबल लगवाए और पूरे महकमे को हिला दिया। खैर, फ़ोन नंबर दे के गए थे, साहब अनुष्ठान में चले गए। उसके बाद निदेशक साहब को उन्होंने बताया कि सर, आपके लिए जो भेंट ला रहा था वह भेंट ट्रेन में छूट गई है, शीघ्र ही आ जाएगी। निदेशक साहब ने रेलवे स्टेशन के पास वाले शाखा में फ़ोन करके शाखा अधिकारी से कहा, भाई ज़रा पता करो कि हमारा सामान कहाँ गया है। निदेशक साहब ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि इसमें मेरा कीमती गिफ्ट है और ये गिफ्ट छूट गया है। सोचने वाले ने सोचा होगा कि गिफ्ट है तो हो सकता है सोना हो, चांदी हो, और फिर गिफ्ट की तलाश में पूरा महकमा लग गया। अरे भाई, डायरेक्टर साहब का गिफ्ट है तो उसको ढूंढना है। सुनने वालों को लगा कि वास्तव में बहुत कीमती चीज़ होगी, तो जो गए थे उसका पता लगाने के लिए अपनी कार से गए वहाँ तक पुलिस स्टेशन। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई पता कर लिया है, थोड़ा समय दीजिए, 2 घंटे बाद आइए। फिर 2 घंटे बाद गए, कहा वो जो गिफ्ट है हमें दे दीजिए। पुलिस वालों ने कहा नहीं, ऐसे नहीं दिया जा सकता, आप हमारे साथ थाने चलिए। डर गए कि भाई थाने ले जाके कहीं कुटाई ना हो जाए। फिर भी हिम्मत करते करते गए तो वहाँ के जो थानेदार थे उन्होंने कहा भाई फोटोग्राफर बुलाओ। फोटोग्राफर बुलाया गया। उसके बाद 2 कांस्टेबल इधर खड़े हुए, 2 कांस्टेबल इधर, अब भी डर रहे थे कि क्या होगा। उसके बाद थानेदार साहब ने वो झोला खोला, झोले से वो कटहल निकाला, बोला ये ले तेरा कीमती गिफ्ट है। और उसको देने के बाद कैमरे वाले ने क्लिक किया स्माइल प्लीज, और वह फोटो वहाँ के थाने में और रेलवे स्टेशन में लगा दिया गया कि कितनी तत्परता से यह खोया हुआ कटहल हमने खोज निकाला और इस व्यक्ति को दिया। बाद उसके बाद की पुलिस वालों की बातें यहाँ सेंसर हो गई है। बाद में उस सज्जन ने बड़े प्रेम से उसको ला करके और डायरेक्टर साहब की झोली में थमाया। कहानी कैसी लगी
आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे कुछ और नई कहानियों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी हम इसी तरह से पढ़ें तो आप अपनी कहानी अवश्य साझा करें। नमस्कार।